चतरा जिले के राजपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन को लगभग 2.5 क्विंटल गांजा के साथ बरामद किया। हालांकि मौके से वाहन चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर SDPO अविनाश कुमार के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया। संवाददाता सम्मेलन में SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर चतरा के रास्ते बिहार की ओर जा रहा था। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई। छापामारी के क्रम में उजला रंग का बिहार का एक 407 वाहन आते दिखाई दिया। वाहन की जाँच की गई तो सच में पता चला कि गाड़ी के नीचे की ओर एक चैम्बर बना हुआ है। चैम्बर में खोला गया तो उसमें छिपाकर गांजा का 52 पैकेट बरामद हुआ। बरामद गांजा का मूल्य करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। उन्होंने बताया कि वाहन पर दर्ज नंबर से जांच का पता चला है और वाहन का मालिक का नाम रिंकी देवी और मुकेश कुमार है, जो बिहार के पटना जिला में आसपास रहने वाला है। कहीं लगता है ट्रेनिंग रेनिंग में है तो कौन कौन है देवेंद्र यादव कल शाम में पूरे ज़िले में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। उस दौरान पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय को सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ गांजे के खेप को यहां से ले जाते हुए और बिहार में खपाने की तैयारी हो रही है। सूचना के अंतर्गत में मेरे नेतृत्व में टीम तैयार किया गया और उसमें राजपुर थाना प्रभारी और वहाँ की टीम साथ में थे। हम लोग फांडे में हुआ जगह जो राजपुर थाना में है वहाँ हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया। तो इस अभियान के दौरान में बीच में हम लोगों ने देखा कि एक तेज़ी से एक बोलेरो व्हाइट पिकअप जिसका नंबर BR01GB8986 है तेज़ी से भगा करके आगे ले गया। उसको जब अपने सहयोग हम लोग टीम के सहयोग से उसको दौड़ा करके वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि ड्राइवर अंधेरे का लाभ लेके भाग गया हुआ है और गाड़ी को छोड़ दिया हुआ है। गाड़ी को जब हम लोगों ने बारीकी तरीके से सर्च किया तो वो पूरे खाली नज़र आया प्रथम दृष्टिया, लेकिन जब और ध्यान से देखा तो ऐसा पता चला कि इसमें एक चैम्बर बनाया हुआ है और उस चैम्बर में कुछ रखा हुआ है सामान। जब उसको हम लोगों ने तोड़ के हटाया जब वहाँ से तो देखा कि वहाँ पे पैकेट करीब 52 पैकेट जो है वो उसमें रखा हुआ है। जब उसको हम लोग सर्च किए और हम लोगों ने अपना ये ध्यान से देखा और उसमें लाया तो वो गांजे का जैसा लगा और वो गांजा ही है। इसको हम लोगों ने विधिवत वहाँ जब्ती सूची करके और विधिवत कार्रवाई करते हुए जाजपुर थाने में कांड दर्ज किया गया है और आगे की प्रक्रिया हम लोगों ने। कितना गांजा था सर? 225 किलो गांजे लगभग इसमें हम लोगों ने सीज किया है। बाजार मूल्य लगभग इसका 10 लाख रुपए है। गिरफ्तारी नहीं हो पाई? आगे का अनुसंधान हम लोग जारी है, क्योंकि गाड़ी हम लोगों के पास गिरफ्तार है तो हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे और जो इसमें दोषी होंगे उन लोगों के ऊपर हम गिरफ्तारी का कार्रवाई करेंगे। चतरा से संजय का रिपोर्ट।